सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। असिस्टेंट लोको पायलट सीबीटी फर्स्ट के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमने लिया है, निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई इनमें से कौन नहीं है, कौन सा होगा ऑप्शन? राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। ये प्रकाश वर्ष ये दूरी की इकाई है, समय की इकाई नहीं है, बल्कि समय की इकाई ये तीनों है ना, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड और सेकेंड। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। दूसरा प्रश्न है, एक पानी से भरी ग्लास के नीचे से कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है, इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है, ये बताना है आपको। ये होता है जड़त्व के कारण, ठीक, जड़त्व के कारण पानी से भरी ग्लास के नीचे से कागज को जब खींचा जाता है तो उसमें गति नहीं उत्पन्न होती है। अगला देखेंगे, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दिया जाए तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, त्रिज्या 1% घटाने पर जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें स्पष्ट है कि त्रिज्या 1% घटाने पर जी का मान बढ़ेगा, इसमें क्या होगा, जी का मान बढ़ेगा, इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक। अगला देखेंगे, अच्छे क्वेश्चन है, आपकी परीक्षाओं में से आ सकते हैं, इससे बहुत अनुमान लगेगा आपको। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाएगी, ठीक है, 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी बढ़ जाएगी, ठीक है, बी ऑप्शन आपका आएगा। नेक्स्ट है, साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा, घट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, इसमें कि अप्रभावित रहेगा। देखिए साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है, ऑप्शन क्या होगा, बी आपका होगा सही। इस तरह अगले थे, निरपेक्ष शून्य ताप पर क्या होता है, निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है, क्या होता है, आणविक गति रुक जाती है, बी होगा आपका। नेक्स्ट है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमताएं क्रमशः एम फर्स्ट एवं एम सेकेंड है, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी, इसमें से सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ये बताना, तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ए, ए क्या है, एम फर्स्ट इंटू एम की घात सेकेंड। अगला देखेंगे, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी हैं, इन चारों में से बताइए, राइट आंसर आपका गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, ऑप्शन नंबर डी आएगा आपका। नेक्स्ट है, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है, कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है लाउड स्पीकर में, राइट आंसर आपका विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होता है, विद्युत ऊर्जा को ये है आपका सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ध्वनि से विद्युत और विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है सी। नेक्स्ट है, क्रमशः 3W व 6W के दो प्रतिरोध सीरीज में 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, इस सर्किट में गुजरने वाली धारा क्या होगी, 10 नंबर प्रश्न। तो इसका आंसर आ जाएगा 2A, क्या होगा, 2A आएगा, ठीक है, 2 एम्पियर जिसे आप कहेंगे, ठीक, इस सर्किट से गुजरने वाली धारा 2 एम्पियर होगी।
क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी, देखिए क्यूरी जो है रेडियम सक्रियता के क्षेत्र में क्यूरी दंपति के योगदान को देखते हुए उनके सम्मान में रेडियो सक्रियता की इकाई को क्यूरी नाम दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ए ऑप्शन होगा। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो सक्रियता की, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, देखिए नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को बताइए चारों विकल्प में क्या कहते हैं। ये कहते हैं द्रव्यमान संख्या, बी ऑप्शन आपका सही है। वेल्डिंग उद्योग में क्या प्रयोग होता है? मीथेन, एथेन, एसिटिलीन, बेंजीन। राइट आंसर है आपका एसिटिलीन का प्रयोग होता है। नोट कर लीजिए, जो क्वेश्चन आपको ना आ रहे हो आप नोट कर लीजिएगा। वेल्डिंग उद्योग में एसिटिलीन का प्रयोग होता है, सी ऑप्शन। इसलिए इसका प्रयोग होता है ऑक्सीजन के ताप के साथ इसको जलाने पर इसकी लौ का ताप लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस, नोट कर सकते हैं, तक हो जाता है। ठीक है, नीला थोथा क्या है? कैल्शियम सल्फेट होगा ऑप्शन, कैल्शियम सल्फेट के ऑप्शन। जब एक परिपथ में कई परिपथ श्रृंखला से जुड़े होते हैं तो करंट का मान क्या होता है? समान रहता है, करंट का मान एक समान रहता है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये किरचॉफ के वोल्टता के नियम के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं कहां पर होती हैं? यह है कोशिका की गतिविधियों पर नियंत्रण केंद्रक न्यूक्लियस द्वारा होता है, कहां, किसके द्वारा? न्यूक्लियस द्वारा, डी ऑप्शन। होमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? देखिए कुछ बीमारियों में रोगों की रक्त स्कंदन क्षमता क्षीण जाती है, ऐसे व्यक्तियों के छोटी मोटी चोट लगने पर भी लगातार रक्त स्राव होता रहता है। मतलब अगर हीमोफीलिया का पेशेंट है तो चोट लग गई, उसके छोटी चोटी भी चोट लगेगी तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। हीमोफीलिया नामक अनुवांशिक बीमारी में भी ऐसा होता है। ठीक है, तो रक्त का नहीं जमना यह हो जाएगा, रक्त जमता नहीं है बल्कि ब्लीडिंग होती रहती है। एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर आश्रित हैं, किस लिए? यांत्रिक अवलंबन के लिए आश्रित होते हैं एपीफाइट पौधे। ये स्वपोषी होते हैं, केवल यांत्रिक अवलंबन के लिए आश्रित होते हैं। अगला है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? मुंह से पाचन में पाचन किस पोषक तत्व का होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, बी। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। अगला है, गुर्दों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट है कौन सी? इसको बोलते हैं नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स बोलते हैं, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है? देखिए गुर्दे के कार्य कौन से हैं? रक्तचाप का नियमन होता है, मूत्र को बाहर निकालना होता है। ठीक है, ये गुर्दे के वर्क है। शरीर के तरल लिक्विड्स के अम्ल क्षार का नियमन करना होता है। ठीक, और कौन सा नहीं होता है? ये बी ऑप्शन जो है वो गुर्दे का वर्क नहीं है,
मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये होता है आपका 7.4, जो ऑप्शन आपका ए में है। अगला है, किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले फ्री लिविंग विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? इसको कहते हैं, क्या बोलेंगे, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा ए ऑप्शन है। फ्री लिविंग करने वाले विशिष्ट समुद्री जीवों को बोलते हैं, जैसे तारामीन है, ठीक है, ओफोयोराइड है, नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, दो कथन दिए गए हैं। 13 दिसंबर 2023 को भारतीय जनता पार्टी के नेता विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया, पहला है। दूसरा कह रहा है, राज्यपाल विष्णु भूषण हरिचंदन ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विष्णु देवराय ने 13 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया, ये बात सही है, पहला सही है। और राज्यपाल विष्णुभूषण हरिचंदन ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई, ये भी सही है। यानी इसमें दोनों सही हैं, एक और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंदिर को विश्व का 8वां आश्चर्य घोषित किया गया? राइट आंसर होगा इसमें अंकोरवाट मंदिर, बी ऑप्शन हो जाएगा। विश्व का 8वें आश्चर्य के रूप में नवंबर 2023 में अंकोरवाट मंदिर को दर्ज किया गया है। कंबोडिया के सीएम रीप प्रांत में है इस मंदिर का निर्माण। देखिए, एक दो पॉइंट देख लीजिए, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था, सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था। चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट है आपका, दिया गया समस्या चित्र नीचे के दिए उत्तर चित्रों में से किसी एक में सन्निहित है, इस उत्तर चित्र की पहचान करें कौन सा। ये ऐसा पॉइंट जो है किस चित्र में दिया हुआ है ये बताना है, ये किस में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका, देखिए डी में दिया हुआ है, तो सरल है, कोई टफ नहीं है। यदि a बराबर माइनस ए, मैथ के क्वेश्चन है, इसका मान बताइए क्या होगा, ये a b का मान, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका उत्तर, केवल हम उत्तर बता दे रहे हैं आपको, इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा आपका a ऑप्शन आएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान डिग्री में क्या होगा? तो ये होगा आपका 28 नंबर वाला, 120, बी ऑप्शन होगा, ठीक। अगला है, निम्न को हल करें, इसको सॉल्व करना है आपको, वीडियो पॉज करके विद्यार्थी उसको हल कर सकते हैं, हम केवल आंसर बता देते हैं आपको, ठीक। इसको जब हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा, देखिए 6 आएगा, -6, ठीक, ए ऑप्शन आएगा। 2 और 98 के बीच मध्यानुपात ज्ञात कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर बता दिया हमने। 2 और 8 के बीच मध्यानुपात होगा ये 14 आएगा आंसर, ठीक। और ये 4624 का वर्गमूल कितना होगा, इसका वर्गमूल होगा देखिए 68, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या होगा 68। नेक्स्ट है, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी 14 मीटर, सी ऑप्शन 14 मीटर। नेक्स्ट देखिए, ये आपका एक सूत्र दिया हुआ है, ठीक। इसमें अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है, एक किसके रूप में काम करता है, तो ये है यहाँ पर एक अपचारक के रूप में, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है,
रिक्त स्थान में आने वाली सही आकृति चुनिए, कौन सही आकृति आएगी इस स्थान पर, ये अगर आप देखेंगे तो आंसर आपका डी आएगा, ठीक, डी ऑप्शन यानी कि ए, डी ऑप्शन आएगा यानी ए आएगा, ये आएगा आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं, ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए को कार्य करने शुरू होने के कुछ दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा और इसी कारण से कार्य को पूरा करने में 16 दिन लग गए। यदि ए इस काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है तो काम के खत्म होने से पहले के कितने दिन पहले ए छुट्टी पर चला गया था, कितने दिन पहले वो गया था छुट्टी पर, इसको वीडियो पॉज करके लगाइएगा तो इसमें जो आपका आंसर आएगा, इसको लगाइएगा, इसमें आपका आएगा आंसर आएगा ए 7, ठीक, ए छुट्टी पर गया था 7 दिन पहले ए। अच्छा प्रश्न है, आधुनिक आवर्ती तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद हैं। देखिए इस समय मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 समूह हैं और 7 आवर्त होते हैं, यानी कि ऐसा है सी नंबर में 18 समूह हैं और 7 आवर्त। मैथ के क्वेश्चन है, पाइप एबीसी एक खाली टंकी से जुड़े हुए हैं, पहले दो पाइप क्रमशः 4 और 10 घंटे में टंकी को भर सकते हैं, जबकि भरी हुई टंकी को तीसरे पाइप द्वारा 6 घंटे में खाली किया जाता है। यदि सभी तीन पाइप टंकी को 3/5 भाग भरा होने पर एक साथ खोल दिए जाते हैं, टंकी को भरने के लिए कितने घंटे लगेंगे। तो टंकी को भरने के लिए लगेंगे 24/11, डी ऑप्शन 24/11। नेक्स्ट है आपका, संख्या दी हुई है, मैं 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर बताना है, दोनों का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान तो 2 ही रहेगा, ठीक है, 2×1 4 का स्थानीय मान हो जाएगा 40,000, तो 40,000 में 2 घटाएंगे आप आएगा 39,998, ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट है, जर्मन सिल्वर की किसी मिश्रित धातु में तांबे के से जस्ते का अनुपात 17:7 है, जबकि निकल से जस्ते का अनुपात 4:7 है, मिश्रित धातु में तांबे से जस्ते से निकल का क्रमशः अनुपात कितना था। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, तांबा हो जाएगा 51, जस्ता 21 और निकल 28, यानी 25, यानी बोलेंगे 51 21 28, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रेखीय समीकरण जो है x+2y-8=0 और ये जो दिया है जोड़े के हलों की संख्या है, दिए गए दोनों समीकरण बराबर है, अतः इस प्रश्न के अनंत हल हो सकते हैं, उत्तर आएगा सी ऑप्शन अनंत। ध्वनि की पिच इसके पर निर्भर करती है, ध्वनि की पिच आवर्ती पर निर्भर करती है, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, यदि घोल में धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए क्या होगा, धातु ए बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, ठीक है, इसमें आंसर होगा ए नंबर होगा, बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट इसको हल करना है बॉर्डमॉस सिद्धांत के नियम द्वारा, इसको
इसको हल करिएगा, हम आंसर आपको बता देते हैं। इसमें 48 आएगा आपका आंसर, ठीक बी। उत्तर चित्रों में कौन समस्या का सही जल प्रतिबिंब है, वाटर इमेज कौन सी सही है, वाटर इमेज। इसमें बी ऑप्शन है, ये ए, ये आपकी वाटर इमेज सही है, ऑप्शन बी और इसमें आंसर ए। चलिए और प्रश्न देख लेते हैं। लालू और बालू की आयु का अनुपात 1:2 है, 7 वर्ष बाद यह अनुपात हो जाता है 3:5, ठीक। तो बड़े व्यक्ति की आयु कितनी होगी, इसको हल करेंगे तो बड़े व्यक्ति की आयु हो जाएगी 28 वर्ष, डी ऑप्शन। 40 संख्या प्राप्त करने के लिए संख्या 6 सही 2/9 को किससे गुणा करना चाहिए, इसको है 6 सही 3/7, ऑप्शन डी आ जाएगा, 6 सही 3/7। नेक्स्ट, ये बताना है आपको कि सही ठीक जगह पर उस विकल्प का चयन करिए जो चित्र को खाली जगह को सही तरह प्रकार से फिट करता है, ठीक। इसको भरेंगे तो आएगा आपका आंसर ए आएगा, ये ठीक है, इसको पूरा कर लेंगे। ये वर्ग रेखा से संबंधित है, जैसे घन किससे संबंधित है, घन वर्ग से संबंधित है, घन किससे, वर्ग से संबंधित। चलिए विद्यार्थियों, ये अभी हमने आपको 50 क्वेश्चन बताए लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, CBT फर्स्ट के लिए। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, आप बताइए कि प्रश्न कैसे लगे आपको और आप कितने प्रश्न उसमें आप हल कर पा रहे थे, ठीक। और इसी तरह की क्लासेस के लिए, आप सजेशन के लिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सजेशन देते रहिए। अपना कमेंट बॉक्स ओपन है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8896594805, आप कमेंट करके व्हाट्सएप भी बता सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है ये, ठीक है। हमने आपको जो बताए क्वेश्चन कैसे थे और कितना आप अपने सॉल्व किए। फिर मिलेंगे विद्यार्थियों, नमस्कार।